लॉन्ग लॉन्ग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो काम है उसमें मुख्य काम था लैंड एक्विजिशन का। 70% लैंड एक्विजिशन का काम हो गया है और लगभग सभी लोगों को मुआवजा भी दिया गया है। कुछ डिमांड थी रेलवे की जिसमें कोई गवर्नमेंट लैंड है और उसको लेकर के था कि उसका पेमेंट रेलवे बोर्ड करेगा, स्टेट लेगी, तो हमने कहा वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रेल लाइन का काम ये तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए और इसलिए कोई इस तरह की कोई बाधा रेलवे बोर्ड के सामने नहीं आने दी जाएगी। एक अस्पताल और एक पुल और एक स्टेडियम वो श्रीनगर में बनाएंगे, उसका भी निर्णय हुआ है। रेलवे बोर्ड ने इसको 2024 तक का लक्ष्य रखा है पूरा करने का और भारत सरकार इसको एक स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में इस पर काम कर रही है और उसके लिए लगभग 16,000 करोड़ का जो बजट है वो प्रावधानित कर दिया गया है और किस वर्ष में कितना मिलेगा ये भी तय हो गया है। इस वर्ष पहले वर्ष में 3,000 करोड़ रुपया, फिर ऐसे ही चार इस ढंग से उसको विभाजित किया गया कि प्रतिवर्ष वो बजट उत्तराखंड को मिलता रहेगा क्योंकि उसमें पावर की बहुत ज़रूरत होगी तो ट्रांसमिशन लाइन की उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, ग्रीन पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए